यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं सीएम सिटी करनाल के पंचायत भवन के विकास सदन में नव निर्वाचित मेयर और पार्षदों ने शपथ ली। कमिश्नर विनीत गर्ग और जिला उपायुक्त आदित्य दहिया ने सभी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई है। आज 20 पार्षदों और मेयर रेणु बाला गुप्ता ने शपथ ली है। इस समारोह में राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज, विधायक और बीजेपी के जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद समेत बाकी सामाजिक संस्थाओं के लोग भी उपस्थित रहे। साथ ही खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज ने जींद उपचुनाव को लेकर बयान दिया है और कहा कि जल्द ही अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करेंगे। जींद उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी, यह दावा एक बार फिर से उनकी ओर से किया गया। जी के नेतृत्व में और समूचे सदन की सहमति से, भाजपा के समर्थन से शहर के विकास के लिए और जनता ने जिस विश्वास के साथ चुना है, आज उनके विश्वास पे खरा उतरते हुए करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, स्वच्छता के लिए और करनाल में जो भी व्यवस्था हमारे करनाल के नागरिकों ने सोची समझी है, सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर, हमारे मंत्री विधायकों के साथ मिलकर पूरी निष्ठा से कार्य करते हुए, उनके विश्वास में कार्य करते हुए शहर के विकास के लिए कार्य करें। आज हमारे नवनिर्वाचित मेयर मैन रेणु बाला गुप्ता जी और 20 जो हमारे नगर पार्षद हैं, उन सब ने आज जो है ना शपथ ली है। मैं इन सब को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस आस्था के साथ, जिस विश्वास के साथ करनाल की जनता ने इनको चुना है, तो ये उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरें और करनाल को जो एक स्वप्न यहाँ की जनता ने देखा कि करनाल एक स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, इस सपने को साकार करने के लिए सब मिल करके अपने नगर निगम में जो जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करें और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने में जो जो योजनाएं अभी केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ योजनाएं आनी है, कुछ प्रदेश सरकार की तरफ से, उन सबको अमलीजामा पर ना करके और करनाल को एक सुंदर शहर बनाने का जो एक संकल्प है वो सारे इकट्ठे होकर के पूरा करें।